गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. तर सकाळी ना सगळे आमचं ब्रेकफास्ट बीन झाला, याच्यानं मातशी सकाळी उठचे पडटा की फ्रान्सीस गेला टुरा. त्याचा ब्लॉग न तुमकां पळोवपाक गावतलो. तर फ्रेंडांच्या वांगडा भोंवपाक गेला, सो खंय गेला किदें डिटेल मागीर पळोवपाक गावतलो. आनी याच्यानी न हांव आनी शंकर खूब बिजी उरता. तुमकां खबर आहा की ट्रॅव्हल एजन्सीचे कंटिन्युअस कॉल येता आनी आमी बिजीच आसता हांगा. शंकर हांगा पण बिजा. शंकर गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हां शंकर बी बिजी आणि आवय सकाळी सकाळचे हांगाच बिजी असता ऑफिसात. आणि तुम्ही म्हणता बघा रेसिपी दाखयना. आणि हांव चित्ता तुमकां एक धाकटीशी रेसिपी बीन शेअर करतले. शंकराक धाडटा किदें फिश बीन हाडपाक किदें गावता तेजेर हांव तुमकां रेसिपी दाखयता. आनी सकाळच्यान अशीच आमची डेली लायफ चलता याच्या न्ही. आनी लास्ट टायम हांव न्हू हांगाय वचून आसले. तुम्ही पयला आसतले बोडगेश्वर टेंपलाक आमी गेल्ले जात्रे. आनी हांव एक फेरयेकूय गेल्ले, मागीर गेल्ले थोडे दिसांनी आणि ब्लॉक करून आसलो. पण आमकां एक कोण गावले ग्रुप श्री दत्त म्हणून कोण तर आमकां गावले अशेच येयलेले. फेरीक भोंवताले आमी आणि तेवूय भोंवताले, सगळे फ्रेंड्स असले ते. तसे भोंवता भोंवता आमकां गावले म्हणाले तुम्ही युट्यूब करता ना. म्हणलं हय तुमचे ब्लॉग पळयता आमी परासून. म्हणलें हाय आमकां ब्लॉगान घ्या. त्यांचा ब्लॉग आयज करून रे ना आमकां केन्ना आमचें नाव सांग. सो श्री दत्त आणि त्याचे फ्रेंड्स हाय आ थँक्यू तुम्ही आमचे ब्लॉग पळयता म्हणून मिले ते. हा थँक्यू शंकर बी थँक्यू बोलता बोलता म्हणे. शंकरूय थँक्यू म्हणटा तुमकां. हांगासर सगळे काम चाललंय आमचे. अरे हांगासर नेट चलना मरे, नेट ऑफ झाला. सो नेट ऑफ झाला म्हणून मातशें ब्रेक घेतलेलो. सो हे काम करया आणि मागीर चल फुडें मागीर तुमकां दाखयता. फ्रान्सीस नायक हांव आणि शंकर त्यात आमकां वर्कलोड चड झाला ना शंकर. फ्रान्सीस येतकीर न्हू मागीर तेजे ब्लॉग तुमकां पळोवपाक गावतले. टुरात गेला तो फ्रेंड्स वांगडा खंय गेला गावतले तुमकां व्हिडियोज सारके. हा कुछ दिन बाद. हा आणि आमचे मिको पण आज आम्ही हांगा काम करता ना म्हणून हांगा येऊन न्हिदला. हे बाय कशें न्हिदला पळय चादर बिदर सायडीक करून. मिको से हाय. मिको सारके सुस्त न्हिदला. सो ते हाय बाय काय करचे ना. ते फ्रान्सांक मीस करता, सोदता माव माव करून सगळ्यांक सोदता ते गाव. फ्रान्सीस थंयसून जर हो व्हिडिओ आम्ही अपलोड करून पळयता जाल्यार मिको खाय कर ना शंकर. ना व्हिडिओ कॉल. हा कल किया था उसने व्हिडिओ कॉल मिको केले. हमारा जो ऑफिस वर्क सब खतम हुआ अभी खाना बनाना है. आप लोग का थोड़ा सा कमेंट भी आ रहा था मुझे. आपका ना रेसिपी बहुत कम आ रहा है इन दिनों में. मैंने सोचा एक छोटा सा रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी. और ये सी फूड में बनाने वाले. और आप लोगों ने ना खाया होगा चिकन काफ्रियल, प्राउन्स काफ्रियल ट्राई किया तो कमेंट करना. आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ प्राउन्स काफ्रियल. बहुत ईजी है और खाने में ना बहुत टेस्टी लगता है और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट में बनता है. मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे मैंने एकदम मोटा साइज का प्राउन्स लिया है, अराउंड 8 प्राउन्स लिया है मैंने. यहाँ इसको अच्छे से क्लीन करके धो के रखा है. और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, हाफ नींबू लिया है, 5-6 मैंने ग्रीन चिली लिया है. और यहाँ पे थोड़े से 10-12 लहसुन, थोड़े से अदरक का टुकड़ा लिया है. और यहाँ पे ड्राई मसाला जीरा लिया है, तेज पत्ता 2 लिया है, छोटा स्पून मैंने शुगर लिया है, थोड़ा सा दालचीनी छोटे टुकड़े, 5-6 ब्लैक पेपर, थोड़े से लौंग और 2 इलायची. और यहाँ पे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा विनेगर ग्राइंड करने के लिए, टेस्ट के लिए सॉल्ट. और यहाँ पे मैंने ना एक बड़ा सा साइज का ऑनियन लिया है, इसको मैंने बारीक चॉप किया है. तब यहाँ पे ये सब इंग्रेडिएंट है मेरा. अभी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले प्रॉन्स को थोड़ा सा ना सॉल्ट लगा के मैरिनेट करके रखेंगे. थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे. यहाँ पे हाफ नींबू लिया है, इसको इस प्रॉन्स में स्क्वीज करके लेंगे मैरिनेट के लिए. प्रॉन्स अच्छा सा नींबू हल्दी पाउडर सॉल्ट इसको ना अच्छा मैरिनेट करके थोड़ा साइड में रखेंगे थोड़ा टाइम के लिए. यहाँ पे रखेंगे इसको साइड में. तब तक हम लोग अभी काफ्रियल मसाला ग्राइंड करके लेते हैं. यहाँ पे रहा मेरा सब इंग्रेडिएंट, ड्राई मसाला, लौंग, थोड़े से पेपर, दालचीनी, 2 इलायची, थोड़ा सा जीरा, शुगर और 2 तेज पत्ता छोटा सा. इसमें ऐड करेंगे अदरक के थोड़े टुकड़े, थोड़े लहसुन, आपको जितना तीखा जैसे पसंद है ऐसे ग्रीन चिली आप ऐड कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे 1-6 ग्रीन चिली लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया कोरिएंडर, इसको साथ में सब डाल लेंगे. इसमें डालेंगे विनेगर, पानी नहीं यूज़ करना है, विनेगर से ग्राइंड करना है. और थोड़ा सा सॉल्ट, अभी थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, स्पून हल्दी पाउडर. अभी ये पूरा जो मसाला मैंने डाला है इसको एकदम बारीक पेस्ट करके ग्राइंड करके लेना. मुझे ना थोड़ा सा सर्दी हुआ इसलिए आपको थोड़ा आवाज थोड़ा ऐसे सुनाई देगा मेरा. चलो इसको ग्राइंड करके देते हैं. यहाँ पे मेरा देखो काफ्रियल मसाला ना रेडी है एकदम. मैंने इसको फाइन पेस्ट करके लिया है. यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर, नींबू और सॉल्ट लगा के मैरिनेट करने के लिए रखा था. आप ये थोड़ा सा मसाला डाल के भी मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रखती हूँ. प्रॉन्स को ऐसे हम लोग अभी इसको
फ्रिज में रखेंगे थोड़ा टाइम के लिए मैरिनेट करने के लिए, एक आधा घंटे तक रखेंगे। दोपहर को जब टाइम होगा ना खाना खाने के लिए तभी इसको फ्राई करेंगे। चलो तो फिर भी इसको रखते हैं मैरिनेट होने के लिए और थोड़ा सा मसाला पाके और बाद में यूज करेंगे इसको। चलो सो आमचे नो आगा सर है मराशे मैरिनेट डाल लिया प्रॉन्स आते चलो काफ्रियर स्टार्ट करिया। प्रॉन्स काफ्रियर सटा था मैं ना चिकन काफ्रियर खाता आज प्रॉन्स काफ्रियर ट्राई करिया। प्रॉन्स काफ्रियर ना खूब बरे लगता सामके टेस्टी असता। सो सगळ्यात पहिले मका एका ना पहिले फ्राई करून घेऊपा जाय प्रॉन्सा। सो अजा पहिले मस्त इथून ना ऑइल घालून घेता म्हणजे ऑलरेडी पॅन हंगा गरम झाला हा आणि आता असे फ्राय करून घेऊया एका सेपरेट ना आज गरम हो गया है। अब इसमें छोड़ेंगे प्रॉन्स फ्राई करने के लिए। ये आप मसाला ना थोड़ा गाढ़ा भी कर सकते हैं, थोड़ा सूखा आपका ऐसे चाहिए ना तो आप सूखा भी कर सकते हैं। विनेगर थोड़ा कम डालना पड़ेगा आपको, मैंने थोड़ा ग्रेवी में ही किया था क्योंकि मसाला मुझे थोड़ा बाद में मुझे ग्रेवी टाइप बनाना था इसलिए मैंने थोड़ा विनेगर ज़्यादा डाला था इसमें। इसको अच्छे फ्राई करके देंगे पहले। तो यहाँ पे ना मेरा एक साइड अच्छा फ्राई हो गया है प्रॉन्स, टर्न करके दूसरे साइड में भी थोड़ा अच्छा फ्राई करके लेंगे इसको। उसके बाद में निकालेंगे क्योंकि इसको बाद में जो मेरा बचा है ना मसाला थोड़ा काफ्रियर का उसमें भी बाद में इसको बॉयल आने के लिए रखना है इसलिए मैं ज़्यादा भी फ्राई नहीं कर रही हूँ। और ये मोटा है ना इसलिए थोड़ा टाइम के लिए फ्राई करना पड़ता है। इस डिपेंड आप कौन सा मतलब साइज का प्रॉन्स ले रहे हो, ये ज़्यादा मोटा है ना इसलिए इसको मुझे थोड़ा और फ्राई करना पड़ता है। ऑलमोस्ट फ्राई हो गया मेरा, इसका भी निकालने का टाइम आ गया है। अच्छा राउंड शेप में आ गया मेरा प्रॉन्स ये फ्राई होके, ये तो पूरा लंबा लंबा था ना ये, फ्राई होने के बाद ये पूरा राउंड शेप में आता है प्रॉन्स। इसका भी निकालेंगे एक बाउल में, पूरा इसको निकाल के लेंगे प्रॉन्स को। अभी जस्ट फ्राई किया ना इसका अरोमा ना बहुत अच्छा आ रहा है। ये पूरा मैं मसाला निकाल के देती हूँ इससे। चलो अभी मैंने फिर से पैन रखा है, इसमें अभी मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। तो फिर यहाँ पे मैंने एक बड़ा साइज का ऑनियन लिया, इसको मैंने बारीक चॉप करके लिया है। इसका भी फर्स्ट फ्राई करेंगे। यहाँ पे मेरा तेल भी गर्म हो गया है, इसका भी फ्राई करके लेंगे, अच्छे से फ्राई करके लेंगे ऑनियन को। ऑनियन को मैंने एकदम चॉपर से बारीक करके लिया था इसलिए एकदम ऑनियन ना बहुत बारीक हो गया है और अच्छा है प्रॉन्स के लिए। इतना प्रॉन्स का फ्लेवर के लिए ना ऑनियन एकदम बारीक कट गया तो अच्छा लगता है, नहीं तो मोटा मोटा लगेगा। वो हो रहा है मेरा यहाँ पे ऑनियन फ्राई। और जब भी आप ऑनियन फ्राई करते हो ना तो फिर ऑनियन जल्दी फ्राई होने के लिए ना आप अगर सॉल्ट थोड़ा ऐड किया ना तो ऑनियन जल्दी फ्राई होता है। मैं इसमें ना ऑलरेडी मैंने प्रॉन्स को भी सॉल्ट लगाया था और ग्रेवी में डाला था मसाले में, इसलिए मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा पिंच सॉल्ट ऐड कर रही हूँ ताकि मेरा ऑनियन ना जल्दी फ्राई हो, सॉफ्ट होता है और अच्छा फूटता है जल्दी, फ्राई जल्दी होता है सॉल्ट ऐड किया तो। यहाँ पे मेरा ऑनियन ना फ्राई हो गया अच्छे से, ये देखो अच्छा ट्रांसपेरेंट कलर आ गया इसका अच्छा फ्राई होके। अभी इसमें ऐड करेंगे बाकी का जो मेरा ग्रीन मसाला बचा था ना वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, अच्छा मिक्स करके लेंगे। यहाँ पे मेरा मसाला भी थोड़ा फ्राई हो गया इसमें, साथ में इसमें ऐड करेंगे प्रॉन्स जो मैंने अच्छा फ्राई करके रखा था। इसमें अच्छा से मिक्स करके लेते हैं और थोड़ा टाइम के लिए इसको कवर करके एक 5-10 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए रखेंगे ताकि ये प्रॉन्स ना अच्छा सा कुक हो जाएगा और ये मसाला भी अच्छा कुक होने के लिए इसका भी कवर करके रखते हैं। चलो अभी देखते हैं ये हो गया है तो, हाँ ऑलमोस्ट डन हो गया, पूरा थोड़ा मसाला भी ड्राई हो गया है, अच्छे प्रॉन्स भी अच्छा फ्राई हो गए इसमें। रेडी है मेरा काफ्रियर, प्रॉन्स काफ्रियर रेडी है मेरा खाने के लिए। चलो ये रेडी है अभी खाएंगे। और ये देखो मेरे को भी यहाँ पे म्याओं म्याओं कर, इसको नींद नहीं आ रहा है, इसका ऐसे पता नहीं नींद नहीं आ रहा है, वो फ्रांसिस को ढूंढ रही है उस टाइम से, यहाँ पे आके शंकर को बार बार ये कर रही है। हाँ कुछ तो बोल रहे, इसको ना अभी जाना है बाहर, इसलिए वो किचन में आई थी उसको बोलने के लिए शंकर को, बहुत चैप्टर है सौंकर का देखा। अभी शंकर को बोलने आए थे, शंकर मेरा ना वीडियो शूट ले रहा था रेसिपी का और उसको आके बोल रही है शंकर चला बाहर जाएंगे करके, ये देखो अभी बाहर आए थे कोई कह रहे, उसको ना अभी नींद नहीं आ रहा है फ्रांसिस ने, इसलिए आई थी साधी पॉइंट ना हंगा सुकन घी तू खवैता डर गई देख, इसका आज ना नींद नहीं आ रहा, दो दिन हुआ ऐसी हो कर रही है। खवैता मुझे शानो, हाँ पता कौन था मुझे बच्चा, यो यो दार ओपन कर देता, यो यो डोर ओपन कर देता, यो 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 पट्टे ना तू तो, यो यो मोड़ ऑफ हो गया किधर है। हाँ आरवी के जैसा हालत हो गया,
आलवीक सोनिया दीदी, मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, फ्रांसिस एक्चुअली नहीं है ना, और सोनिया दीदी के लड़के आई थी आलवीक, तो फिर वो कल ना बहुत रो रहे थे चाचा ने, मतलब क्या उसका अच्छा। माचा बोलते ना, मासा नहीं माचा नहीं माचा नहीं मेरा माचा चाहिए चाहिए करके रो रहे थे। चलो हम लोग अभी खाएंगे खाना, मैं सर्व करती हूँ प्लेट में। तो फिर यहाँ पे ये देखो मेरा काफ्री है, प्राउन्स काफ्री है, रेडी है, और अच्छा मैंने प्लेट में डाल के उसको सर्व किया है। तो फिर चलो अभी खाएंगे खाना। मुझे ना थोड़ा ठंड हुआ है, इससे बात करने को ठीक से नहीं हो रहा है, और इन दिनों में ब्लॉग भी ठीक से नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत भी खराब था, ना सिर्फ फ्रांसिस का तबीयत खराब था, अभी मेरा हो गया, फ्रांसिस अच्छा हो गया, घूमने भी गया। चलो तो फिर खा देंगे अभी खाना। तो फिर यहाँ पे ना खाना भी सब रेडी है, तो फिर शंकर खाना खा रहा है, शंकर से फीडबैक लेके, शंकर खा रहा है यहाँ पे खाना, खाना खा के देख कैसे काफ्रेर बना है, प्राउन्स काफ्रेर। अच्छा, फर्स्ट टाइम खाया था ना वो चिकन काफ्रेर, उसे अच्छा लग रहा है उसे, ये फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ मैं, ये चिकन ये प्राउन्स काफ्रेर। अच्छा, चिकन अच्छा। काफ्रेर खाया था ना। हाँ, चिकन का अपने लास्ट टाइम खाया था। मैं अभी और आई भी खाना खाएंगे, आज फ्रांसिस नहीं ना, आज शंकर से ही फीडबैक दिया, पर अच्छा बना है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी है, अच्छा बनता है। चलो।